नहीं। इतना अच्छा एंटेन है कि पहले ही आगे हाथ बढ़ा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये भी मुझे देखिए काटता नहीं, मुझसे बहुत हिलावा है। अच्छा, ये कहाँ की ब्रीड है और इसको क्या कहते हैं? हर और 19 इंच इसका साइज होता है, मैक्सिमम 22 पे जाता है। और ये मेरे ख्याल में दाढ़ी वाले जो अंकल हैं, ये मेरे ख्याल में ये मेल है, इनके ब्रीडर मेल है। हमारे शहजादे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात, क्या करने आए हैं आप? तो वीडियो बनाने हैं व्यूअर्स के लिए। हाँ। तो व्यूअर्स को क्या बोलेंगे? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो व्यूअर्स चलें वीडियो शुरू करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जैसे कि शुजात कह रहे हैं, और वीडियो को शेयर करें। तो सेटअप के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, हमारे तो खैर आप उस्तादों में से हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कितना आपका एक्सपीरियंस है। मेरा नाम रिजवान दानिश है और मुझे तकरीबन 15-16 साल होगा इस फील्ड में। सही है। बाकी ये कि मेरा सेटअप था नीचे, सही है। अब ये दोबारा से न्यूली सेटअप बनाया है। सही है। और अभी भी थोड़ा सा इसमें समझे कि कंस्ट्रक्शन जारी है इसकी, काम बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। और केजीज अभी और आ रहे हैं, कुछ जोड़े भी हैं वो आ रहे हैं। सही है। और बाकी ये कि अब आपको सेटअप दिखा देते हैं, सेटअप देखें आप क्या क्या बर्ड्स हैं हमारे पास। बाकी मेरा काम जो है इसमें जंगली बर्ड्स में भी है। सही। मतलब जंगली में भी है, इसमें हिरन और नाइजीरियन गोट्स वगैरह हैं। लॉइन तो आप वीडियो बना चुके थे, ठीक है, मेरे पास था। ठीक है, ये सब चलें तो व्यूअर्स दिखाते हैं। और ये 12-15 साल से इस हॉबीज़ में जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, तो देखते हैं इनके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है एग्जॉटिक बर्ड्स में। तो चलें जी। तो रिजवान भाई, आप सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो सेल आउट की चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये दिखा देते हैं। ग्रीन विंग है। इतना अच्छा एंटेन है कि पहले ही आगे हाथ बढ़ा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा टॉकर है। ठीक है, इसको घुमाएं, बैक साइड दिखाएं इसकी। रिजवान भाई की वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा टॉकिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। हाँ, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, किसी साहब को चाहिए तो वीडियो मिल जाएगी इसकी। ज़बरदस्त। तो इसकी एज वगैरह कुछ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। इसकी एज जो है तकरीबन 6 ईयर्स है। अच्छा, और इसका DNA हुआ है मेल है। सही है, ठीक है, मेल है, DNA हुआ है, मेल है, DNA हुआ है। इसकी डिमांड आप क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड कर रहे हैं हम भाई 380,000 रुपये। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी अगर कोई आएगा, आपके तवस्सुल से कोई आएगा इंशाल्लाह गुंजाइश उसको अच्छी कर देंगे। ठीक है। रिजवान भाई, ये कौन सा पैरेट है? ये बच्चा है भाई। ठीक है। और इसकी तकरीबन एज जो है 6 मंथ है, 6 महीने का हो गया। 6 महीने का है, सेल्फ है। ठीक है, इसको बैक की तरफ से दिखाएं जरा हमारे व्यूअर्स को। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, ब्यूटी में है परिंदा, दुम पर का साफ सुथरा है। जरा मुझे देख के ऐसे कर लेता है। अच्छा, ये इसको मैंने बचपन से पाला है। खाना मांगता है? हाँ, खाना मांगता है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, बहरहाल ये प्रॉपर सेल्फ हो गया। प्रॉपर सेल्फ है और बिल्कुल हेल्दी है। ज़बरदस्त। तो इसकी क्या आप डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड कर रहे हैं भाई 250। 250 इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसमें भी गुंजाइश हो जाएगी थोड़ी बहुत? इसमें गुंजाइश हो जाएगी। ठीक है जी। रिजवान भाई, ये कौन सा पैरेट है आपके हाथ में? मेरे पास ये पैरेट है, इसकी 6 से 7 मंथ एज है। अच्छा जी, सेल्फ फीड हो गए? प्रॉपर सेल्फ, लोकल यंग बर्ड है। लोकल यंग बर्ड है। ठीक है, अच्छी की ब्रीड है। और हमें पीछे और भी नज़र आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 12 ग्रे पैरेट हैं। अच्छा, ना आपको ये दिखेंगे, सब प्रॉपर सेल्फ फीड है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, आपको प्रॉपर सेल्फ फीड वाले दाने मिल जाएंगे। तो इस एक दाने की क्या डिमांड कर रहे हैं रिजवान भाई? एक दाने की डिमांड हम 73 कर रहे हैं, 70 में फाइनल। 70 में फाइनल देने, 73,000 इसकी डिमांड है। ठीक
ठीक है, जो व्यूवर्स लेना चाहे रिजवान भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वो इसको ले। जी रिजवान भाई, इस पैरेट के बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। भाई ये वॉस मेरी फीमेल है मेरे पास। अच्छा, और तकरीबन इसकी 8 से 9 मंथ। वॉस मेरी तो मतलब येलो टेल में होती है। येलो टेल में होती है। और इसका जो एरिया है वो चेंज होने की वजह से। सही है, आप इसकी टेल भी देख सकते हैं, येलो है तो साइज इसका बड़ा है। हाँ, इसमें तो खैर मेल फीमेल कलर से पता चल जाता है, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ। तो इसकी एज क्या है रिजवान भाई? इसकी एज तकरीबन 8 से 9 मंथ है। 8 से 9 मंथ है, ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? सर इसकी डिमांड कर रहे हैं 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये रिजवान भाई, तो ये यहाँ उड़ के आ गई। आप मतलब पर आपके पास मैंने देखा है हर परिंदे के ही पूरे होते हैं, उसकी वजह क्या? मैं पर इसके पूरे रखता हूँ। अक्सर ऐसा होता है किसी बर्ड के हमने पर काट दिया और उसके थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाए ना, तो हाँ। वो अपने फेदर प्लगिंग पे आ जाता है। अच्छा, तो फेदर इसलिए मैं ज़रा पूरे रखता हूँ और बर्ड ज़रा अच्छा लगता है, उसकी वजह से बर्ड की फिनिशिंग अच्छी लगती है, खूबसूरत लगता है। इसकी लैक्टेस की फीमेल की आपने क्या डिमांड बताई थी? 1,60,000। ठीक है विवर, आप जब रब्ता करेंगे रिजवान भाई से तो इसमें जो भी लचक होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हमारे रेफरेंस। जी रिजवान भाई, ये बताएं अलेक्जेंड्राइन में कौन सी ब्रीड है ये? ये अलेक्जेंड्राइन में जो है ऑलिव ब्रीड है। ऑलिव, जी ऑलिव पहाड़ी कहलाते हैं। सही है, तो ये क्या है, सेल्फ के दाने हैं? जी मेरे पास ये सेल्फ के दाने हैं और ये 3 पीस हैं मेरे पास। ये 3 पीस हैं जिनमें 2 मेल है 1 फीमेल। अच्छा, ये देख सकते हैं केवल एक ये रहा। अच्छा, ये जो इसके साथ डाला है ये क्यों डाला हुआ है? ये आपने सादा ने इसलिए डाला हुआ है इसके अंदर ताकि कलर का डिफरेंट पता लगे, डिफरेंस पता चल जाए, कलर का डिफरेंस पता चल जाए। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि ऑलिव किस कलर का होता है। ऑलिव, प्योर ऑलिव है, कोई इसमें नहीं, इसके माँ बाप भी ऑलिव थे। सही है, कोई ऐसा नहीं है कि जी माँ बाप अलग या माँ अलग, दोनों ऑलिव माँ बाप। सही है, यानी कि इनके पेरेंट जो है वो दोनों ऑलिव हैं। दोनों ऑलिव, ठीक है। तो इस पेयर की क्या डिमांड है, या सिंगल अगर कोई लेना चाहे तो क्या डिमांड है? देखिए कहने के इसमें 2 पीस तो ऑर्डर हो चुका है, अब 1 पीस इसमें अवेलेबल है। अच्छा, 1 पीस मिल जाएगा, पीस अवेलेबल है इसमें, और 1 पीस जो है उसकी डिमांड जो है 3 लाख रुपये। 1 पीस की डिमांड 3 लाख रुपये कर रहा है, ठीक है। जी रिजवान भाई, ये बताइए कितने बड़े चिक्स हैं ये? येलो रिंग नेक के भी नज़र आ रहे हैं। येलो रिंग नेक के तकरीबन 5 मंथ के चिक्स हैं। अच्छा, प्रॉपर सेल्फ हो चुके हैं? प्रॉपर सेल्फ है, दाने पे आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनमें तो अभी मेल फीमेल कंफर्म नहीं कर सकते, येलो में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं आपको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है, तो इनकी क्या पेयर की क्या डिमांड है, या सिंगल कोई लेना चाहे तो क्या डिमांड है? ये 35,000 इसकी डिमांड है। 35,000 सिंगल पीस की। सिंगल पीस की, ठीक है। और ये कौन से वाले नीचे कौन से कलर है? ब्लू है जी, ब्लू रिंग नेक, ग्रे रिंग नेक है, ठीक है। इनकी क्या डिमांड है, ये अलग अलग प्राइजेज हैं जी? ये असल में साइज के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और ये बेसिकली क्या कहते हैं, ब्लड लाइन अलग है, कोई पीले तेल का बच्चा है, कोई कॉटन का बच्चा है, उनके बच्चे निकले हैं। इनके 22,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं पर पीस की। पर पीस की 22,000 रुपये, चाहे ये वाला ले लें, ग्रे वाला ले लें, या ये वाला ले लें। ये कलर भी आप देखिएगा चेंज है इनके, ठीक है। इनकी भी यही डिमांड है, ये जो ये दाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 22,000 रुपये ईच है, ईच है, ठीक है रिवर्स। ये टेम दाने होंगे प्रॉपर। अभी थोड़ा सा हमारे कैमरे को देख के डर रहे हैं। और ये आप कलर क्या बता रहे हैं आप रिजवान भाई? इनके चेंज है कलर, चेंज है। आप देखिए इसमें हेड में भी इनके शेड अलग से आ रहे हैं। अच्छा, सही है। तो यानी कि इनके पेरेंट्स में है कुछ, यानी ब्लड लाइन या कलर? क्लियर हेड क्लियर टेल के बच्चे निकले हुए कॉमन में। कॉमन में जी, ठीक है। जी रिजवान भाई, तो ये बताएं काकाटू में कौन सी ब्रीड है? काकाटू में ये ड्यू क्रॉप ब्रीड है, जो मेल मेल ड्यू क्रॉप है। सही है, फीमेल जो इसकी गॉफिन की है, आप देख सकते हैं जोड़ा प्योर बड़ा जोड़ा है, लगा हुआ पेयर है, ब्रीडर पेयर है, ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी 2,10,000। 2,10,000 रुपये इसकी डिमांड है। व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से, बॉन्डिंग देख सकते हैं आप जोड़े की, बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न पे ज़रूर ब्रीड करेगा आपके हिसाब से, इंशाल्लाह। रिजवान भाई, तो इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड है? ये वॉलेट रिंग नेक कहलाती है और सिंगल फैक्टर में है। ये वॉलेट रिंग नेक जी, सिंगल फैक्टर में, सिंगल फैक्टर में ये, और फुल बड़ी अडल्ट फीमेल है, ब्रीडर फीमेल है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कहते हैं जी, एक ब्लड लाइन वाला मेल डाला हुआ है, लेस विंग कलर में है वैसे,
ठीक है, और ये भी कोबाल्ट से निकला हुआ है। कोबाल्ट से निकला हुआ जी, ठीक है। तो इस जोड़े की डिमांड क्या है? मादा तो शर्मा के भाग गई है जी। इस जोड़े की डिमांड क्या है? की डिमांड 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये इस जोड़े की डिमांड। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आपके फीमेल बाहर आ गई है, सही है। और रिजवान भाई ये किसमें से क्रॉस हुई हुई फीमेल है? ये क्रॉस नहीं है। अच्छा, ये वॉयलेट रिंग नेक है सिंगल फैक्टर में। सिंगल फैक्टर में, एक डबल फैक्टर होता है, ये सिंगल फैक्टर जी, सिंगल फैक्टर में, ठीक है। तो ये मतलब अगर जैसे इसका बच्चा अगर सिंगल में आया तो उसका चिक्स कितने का होता है? सिंगल के बच्चा आजकल 50-60,000 रुपये का, तो पिन फेदर देख रहे हैं बच्चा। अच्छा जी, मैंने पेयर के सर 1,30,000 रुपये बताएँ, वो भी आपकी वजह से कि आप चैनल के तवस्से से कोई आता है तो मैं मुनासिब रेट में दे दूँगा जी। रिजवान भाई इस पेयर के बारे में बताएँ। ये हाइब्रिड पेयर है। अच्छा, पहाड़ी और रिंगनेक के दरमियान का साइज जो होता है वो हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है जी, और इसका मेल जो है ना ब्लू का स्प्लिट है, सही है, और फीमेल ऑलिव की स्प्लिट है। ऑलिव की स्प्लिट है जी। रिजवान भाई तो ये मतलब ब्रीड कर चुका है पहले? नहीं कर चुका, ये पहले एक बार ब्रीड भी कर चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी ये ब्रीड करेगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है ठीक है। तो ये जोड़ा कितने का है? इसके 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं। 1,20,000 रुपये। तो ये रिजवान भाई ये जो जोड़े आपने डाल रखे हैं ये ब्रीडर जोड़े हैं? ये ब्रीडर जोड़े। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल में आपके शौक़ के जोड़े हैं ये। आप देखें जो लोग ये कहते हैं कि टांग कटी हुई है, नाखून नहीं है, हाँ ये कहते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि नाखून नहीं है तो उसकी वैल्यू कम कर देते हैं या गिरा देते हैं, बहुत सारे डीलर वगैरह भी ये करते हैं। हाँ, मेरे पास फीमेल की देखें टांग नहीं है आपके सामने। अच्छा, कटा हुआ और बिल्कुल नज़र आ रहा है। प्योर ब्रीडर फीमेल है, बच्चे निकालती हुई फीमेल है। सही है रिजवान भाई, हम भी आपको नेक्स्ट सीजन में इसके बच्चे भी आपको दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैंने सेगमेंट का नाम रखा है मुझे सेटअप से ना निकालो, तो मैंने इस तरह के तोते दिखाए हैं कि जो अंधे हैं या लूले हैं या उड़ नहीं सकते, तो वो भी कुछ दाने ऐसे मैंने दिखाए जो ब्रीड कर जाते हैं, तो इत्तफाकन आपके पास ही मेरे पास आप देख सकते हैं ग्रेप एरिज में ये जोड़ा है और माशाल्लाह ब्रीड करता है, ब्रीड करता हुआ जोड़ा है। ठीक है, ये एक जोड़ा और लगा हुआ है आपके पास माशाल्लाह से जी। ठीक है, तो हमारा कोई व्यूअर्स अगर कहता है कि उसे ब्रीडर जोड़ा चाहिए तो आप अरेंज करा के दे सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह उसको अरेंज करवा के दे देंगे। तो अभी जो है मतलब अगर कोई किसी को जोड़ा चाहिए होगा तो क्या डिमांड चल रही है? अगर आपके पास ब्रीडर जोड़ा वो कहता है कि मुझे अरेंज करा दें तो क्या डिमांड है ब्रीडर जोड़े की? ब्रीडर जोड़े की वैसे देखें जो कंफर्म ब्रीडर है ना उसकी जोड़े की डिमांड 2 से ऊपर में। सही है, आपको जो ब्रीडर मेल फीमेल तो कंफर्म होगा लेकिन वो आपको 2 के अंदर में मिलेगा। ठीक है, अच्छा जोड़ा आपको 2+ में ही मिलेगा। ठीक है, सही है। तो भाई आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मतलब जो भी रेट होंगे रीजनेबल ये आपको करवा के दे देंगे। अच्छा रिजवान भाई, यहाँ पे जो है कुछ सनकनियोर के जोड़े भी हैं, इनके बारे में भी बताएं। ये अपने लिए डाले हैं असल में हमने। अच्छा, ये माशाल्लाह ब्रीड जमा कर रहे हैं, ये कुछ करके ब्रीडर हो जाएंगे। ये पट्टे हमने पाले थे अपने पास। सही है, और ये कि माशाल्लाह के 6 जोड़े मेरे पास जमा हो गए। 6 जोड़े आपके पास हैं माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं व्यूअर्स इनके पास जोड़े। अच्छा, इसको साइज़ क्या देना पड़ता है रिजवान भाई? केक का साइज़ जैसे हमारे कुछ व्यूअर जो नए पालने वाले। साइज़ देखिए पहाड़ी रिंगनेक और सनकनियोर कम से कम 3.5 फुट by 2.2 का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, सही है व्यूअर्स। तो ये रिजवान भाई ने आपको साइज़ बता दिया। अच्छा, अगर कोई व्यूअर्स हमारा कहता है मैं सनकनियोर के जोड़े अरेंज करा दे तो क्या अभी सनकनियोर के रेट चल रहे हैं? अगर सनकनियोर के रेट जो है वैसे बड़े अप हुए में। अच्छा, 70-80,000 तक लोग मांगते हैं। सही, और अच्छा ब्रीडर पेयर जो है वो इससे भी प्लस जाता है। अच्छा, हाँ वैसे तो आपको अच्छा जोड़ा इसका मिलेगा नहीं। सही है, मिलेगा तो तकरीबन 75-80 इस तरह मिलेगा। ठीक है, सनकनियोर। ठीक है जी रिजवान भाई, ये भी बहुत यूनिक सा कलर है, मैंने ऐसे कलर बहुत कम देखे हैं नेक में। ये माशाल्लाह मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, और इसको कहते हैं कोबाल्ट रिसेसिव टर्कुश। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये मेल है मेरे पास। ये तो नाम भी मुझसे नहीं लिया जा रहा जी। ये ज़बरदस्त म्यूटेशन है और टर्कुश। चलें भाई, ले लिया हमने नाम। तो इसकी क्या मार्केट वैल्यू है? और ये मेल है फीमेल है क्या है ये? सर ये मेल है। अच्छा, और इसके 1,20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसको आपने ऐसे रखा हुआ है? मैंने असल में इसको क्या कहते हैं दूसरे केज में डालना था। अच्छा, तो इसकी अच्छा। पेयरिंग के लिए मैंने इसको यहाँ अलग किया है अभी। ठीक है, इसकी 120 डिमांड कर रहे हैं आप जी। रिजवान भाई तो अब चिक्स का तो एंड चल रहा है, और कुछ चिक्स आपके पास पड़े हुए हैं बताएं इनके बारे में।
जी चिक्स का तो एंड चल रहा है माशाल्लाह इस साल, तो बहुत बहुत अच्छी चिक्स पाले मैंने, सही है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाले हैं, आपको दिख भी रहा होगा सेटअप, उसमें से बहुत सारे हमने पाल के सेल्फ करके अपने पास ही रोक लिए, सही है। अच्छा ये तो कॉमन पहाड़ी है जी, ये तो आपने आमतौर पर देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये कितने बड़े हैं अभी, इनकी एज क्या है भाई? इसमें एज जो है तकरीबन 2.5 महीने का है, सही है। और ये वाला बच्चा जो है 2 महीने का है, ये इसके आप पर थोड़े से देख रहे हैं, तो इसके माँ बाप ने इसको नोचा था ना, अच्छा, इसको फैदर की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर कोई समझे भाई के फैदर की प्रॉब्लम, सही है। ये माशाल्लाह बड़ा कवर्ड बच्चा है जी जी, इतने से बच्चों में तो फैदर, माँ बाप असल में अपने माओ के पास ही इतना बड़ा हो गया था ये, ठीक है, इसकी वजह से हम निकाल नहीं सके, तो इसमें थोड़े से फैदर प्लगिंग इसके माँ बाप ने किए, ठीक है। तो ये कितने का है ये वाला बच्चा जो है? छोटा बच्चा जो है मैं आपको दे दूंगा 14,000 रुपये डिमांड है, बाकी कोई आता तो कर लेंगे। और बड़ा वाला बच्चा? बड़ा वाला बच्चा 15,000 रुपये डिमांड है। 15,000 रुपये डिमांड। और ये दो छोटे कौन से हैं? ये दोनों ब्लू रिंग नेक के बच्चे हैं। ब्लू रिंग नेक के बच्चे हैं, तो ये कितने दिन के हैं? ये अभी तकरीबन 1 महीने के होने वाले हैं, 1 महीने के हो गए। तो ये कितने का है इस टाइम पे? ये बच्चा है, इसकी डिमांड 13,500 रुपये। 13,500 रुपये ब्लू रिंग नेक का, ठीक है। अच्छा ये तीन चिक्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में बताइए। ये तीन चिक्स जो है सनकनियोर है, इसमें से एक बच्चा 1.5 महीने का है, सही है, एक बच्चा 1 महीने का है, अच्छा, और एक बच्चा जो है वो 15 दिन का है, अच्छा, ये तकरीबन 1.5 महीने का बच्चा है, ठीक है। तो इनके 1.5 महीने से कोई फ़र्क है? मतलब जी बिल्कुल फ़र्क है। ये कितने का है बड़ा बच्चा? 17,000 रुपये का। 17,000 रुपये का जी, ठीक है। ये बच्चा जो है 15,000 रुपये का है, ठीक है, और इसकी भी तकरीबन यही प्राइस है, क्योंकि आँखें खुल चुकी हैं, पिनों पर आ गया, ठीक है। और ये कौन से बच्चे हैं? ये तो मुझे माशाल्लाह ये इलेक्टस है और दुनिया की सबसे नाजुक ब्रीड है। अच्छा हाँ, और सुना है ये बहुत देर में भी बड़ा होता है। बहुत देर में बड़ा होता है इसके, असल में बड़े दो प्रोसेस होते हैं इसमें, एक आप फीमेल देख सकते हैं। अच्छा ये पता चल रहा है अभी? जी जी, इसमें फ़ीमेल देख लें आप, ये माशाल्लाह फ़ीमेल है, और आप साइज़ देख सकते हैं, हाथ में देखें बच्चा नहीं आ रहा है, इतना बड़ा बच्चा है, मेरे दोनों हाथों में आ रहा है बच्चा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी बच्चा है, ठीक है, लेकिन तो बड़ा इसकी बड़ी केयर है। अच्छा, बहुत केयर है इसकी। अच्छा, कोई अगर लेता है आपसे बुक करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कुछ। और ये मेल है? अच्छा ये मेल है, नुमाया हो रहा है? नुमाया हो रहा है, देखें ग्रीन पर आ गए इसके, सही है जी। तो इस ब्रीड में यही होता है कि मेल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और फीमेल जो है वो थोड़ा रेडिश टाइप की होती है। तो इस एक चिक्स के क्या डिमांड है? अगर कोई फीमेल लेता है तो? अगर फीमेल लेता है तो 90,000 डिमांड है, ठीक है, और अगर मेल लेता है तो 80,000 डिमांड है। 80,000 डिमांड। ये अभी पिन फैदर से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है जी। रिजवान भाई, तो ये जो है आपके सेटअप की शान और जान, ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है, हमारे व्यूअर्स को बताएं जो नहीं जानते इसके बारे में। ये माशाल्लाह हमने बड़ी मोहब्बत से पाला है, ये बड़ा छोटा सा लिया था मैंने। अच्छा, और इसको हाथ से खाना खिलाता था, इतना छोटा था, अब तो माशाल्लाह अभी चाहिए, ठीक है। और ये अभी मुझे देखिए काटता नहीं है, तो मुझसे बहुत हिलावा है। अच्छा, ये कहाँ की ब्रीड है और इसको क्या कहते हैं? ये बर्मोसाइट मंकी है। अच्छा, पॉकेट साइज मंकी, दुनिया का सबसे छोटा मंकी है, ठीक है। तो ये मेल है फीमेल है? ये मेल है, और इसकी फीमेल की तलाश है। अच्छा, तो आपके पास अगर पड़ी हो कराची या कराची से बाहर, सही है, उससे ज़रूर रब्ता करेंगे, मेरे पास एडल्ट मेल पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे फीमेल चाहिए इसके लिए। अच्छा, इसलिए सेल नहीं करना है आपने? नहीं, इसकी फीमेल चाहिए, इसकी फीमेल चाहिए, ब्रीड के लिए रखा हुआ है हमने, ठीक है भाई। किसी अगर हमारे व्यूअर्स के पास फीमेल पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा पड़ी हो या सिंगल फीमेल पड़ी हो, और वो देना चाहे तो वो रिजवान भाई से रब्ता कर, छोटी भी हो तो, छोटी भी होगी तो भी चलेगी भाई, ठीक है। रिजवान भाई, तो इसके बारे में बताइए, काकाडू की कौन सी ब्रीड है? ये भी डू क्रॉप की ब्रीड है, डू क्रॉप काकाडू, जो हमने जोड़ा देखा था। जी जी, जोड़ा देखा था उसी में का मेल है ये, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, किसी साहब को चाहिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इस मेल की क्या डिमांड है? इस मेल की डिमांड 85,000 है। एडल्ट है ये? उम्र एज फुल एडल्ट? ये 6 साल का मेल है। 6 साल का मेल है। मेरे पास जोड़ा भी जो है वो 6-7 साल का है, ये भी 6 साल का है, ठीक है। रिजवान भाई, तो इन बच्चों के बारे में बताएं, क्या एज है इनकी और इनकी क्या डिमांड है और कौन सी ब्रीड है ये? ये सिल्वर रिंग नेक है वैसे तो देखने में, सही है, लेकिन ये भी वो जो मैंने आपको ग्रे रिंग नेक दिखाए थे, सही है, इसके माँ बाप जो है क्लियर हेड क्लियर टेल थे, सही है, ब्लू में, सही है, ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो इन बच्चे को कॉमन कलर में मारते हैं, लेकिन ये ब्लड लाइन इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इनकी एक चिक्स की क्या डिमांड है? ये पेयर आपको दे देंगे 45,000 का। 45,000 का पेयर मिल जाएगा? तो ऐसे कितने पेयर पड़े हैं आपके पास? ऐसे मेरे पास तकरीबन 4 पेयर पड़े हैं। 4 पेयर पड़े हैं। चलें विवर दौड़ देखते हैं इसमें जो पेयर। अच्छा, एक पेयर ये रहा रिजवान भाई, ठीक है।
ये भी सेम है या ये कोई ब्रीड में इनके फर्क है? ये रेम्बो रिंग नेक है और वाइट रिंग नेक है इसमें। ये वाइट रिंग नेक है और फीमेल रेम्बो रिंग नेक है। जी जी। इनकी एज क्या है? ये 1 ईयर, 1 साल के है ये। जी। ये भी 45,000 का? ये भी 45,000 का। ये बताएं कौन सा रिंग नेक है और इसकी एज बताएं। ये क्रीमिनो है और येलो रिंग नेक है। ये क्रीमिनो का दाना है ये वाला, और फीमेल इसकी येलो है। मेल इसका, मेल इसका येलो है और ये फीमेल है। ये फीमेल है। ये भी 8 से 9 महीने के बच्चे हैं। ठीक है, तो इनकी क्या डिमांड है? इनकी डिमांड 70,000 रुपये। 70,000 रुपये इनकी डिमांड है। एज क्या है इनकी? इनकी 8 से 9 मंथ। 8 से 9 मंथ क्या ये पेयर है? जी रिजवान भाई, तो इसके बारे में बताएं ये कौन सी ब्रीड है? ये रेम्बो रिंग नेक है प्लस क्रीमिनो की, क्रीमिनो से निकले हुए बच्चे हैं। अच्छा जी, इसकी डिमांड भी हमने 65,000 रुपये रखी हुई है। 65,000 रुपये पेयर के? जी पेयर के। रेम्बो रिंग नेक है ये, और ये लेकिन ये रेड आइज में है और ये क्रीमिनो से निकले हुए बच्चे हैं। अच्छा, ये ऊपर वाले बच्चे जो आपने येलो और क्रीमिनो दिखाया था, ये भी बच्चे इसी के हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के चारों बच्चे, एक ही बच्चे माँ बाप के चारों बच्चे हैं। एक येलो था, एक क्रीमिनो था, एक रेम्बो था, एक दूसरा भी रेम्बो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस जोड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी 65,000 रुपये डिमांड है। 65,000 रुपये डिमांड है। जी रिजवान भाई, ये बताएं अमेजोन में कौन सी ब्रीड है? ये ऑरेंज विंग में अमेजोन की ऑरेंज विंग ब्रीड है, ऑरेंज विंग है, अमेजोन ब्रीड है। ठीक है, और ये फीमेल है। डीएनए तो नहीं है लेकिन ये फीमेल लगती है अब। ठीक है, अगर कोई बोलेगा डीएनए करा के दे दें तो करा देंगे। डीएनए करा के दे देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड कर रहे हैं 35,000। 35,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? 35,000 इसकी डिमांड। ठीक है जी रिजवान भाई, तो इसके बारे में बताइए कौन सी गोट्स हैं आपके पास? बहुत ही छोटी लग रही हैं हमें ये, तो टेडी से भी छोटी लग रही हैं। ये नाइजीरियन ड्राफ गोट है, दुनिया की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट बकरी है। अच्छा जी, तो इसमें बड़ा कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो सबका एक ही साइज़ नज़र आ रहा है, बच्चों का और माँ बाप का। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी 10 महीने 9 महीने के हुए हैं। अच्छा जी, अब ये कुछ दिन बाद ये अपने दांत निकाल लेंगे इतने छोटे। ये जो सबसे छोटा जो खड़ा हुआ है, ये क्या है, मेल है फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, और इसमें बड़ा ब्रीडर मादा कौन सी है और बड़ा ब्रीडर मेल कौन सा? मेरे पास फीमेल ये है। ठीक है, सही है। इसका साइज कितना होता है? 18-19 इंच इसका साइज होता है, मैक्सिमम 22 पे जाता है। और ये मेरे ख्याल में दाढ़ी वाले जो अंकल हैं, ये मेरे ख्याल में ये मेल है, इनके ब्रीडर मेल है। ठीक है, ये मैं व्यूअर्स आपको ऊपर से भी दिखाऊं कि इसका कद कितना छोटा है। ये आप देख सकते हैं कि वाकई में 18-19 इंच इसका कद है। ये एक, और ये जो ब्राउन वाली है, ये क्या है? ये भी फीमेल है, और ये समझें कि ये सब बच्चे जो हैं इसी के हैं। इसी के हैं ये, सही है। मतलब ये जो है, ये इनका ब्लैक ब्राउन में इसकी मादा है और ब्लैक में नर है, ये ब्रीडर नर है। ठीक है, और ये ब्राउन वाले चिक्स भी। अच्छा, अगर कोई बड़ा जोड़ा लेना चाहे तो उसके क्या रेट हैं, और अगर कोई आपसे सिंगल लेना चाहे तो उसके क्या रेट हैं? डेढ़ से पौने 2 लाख रुपए का रेट है। ठीक है, और अगर कोई बच्चों की जोड़ी लेना चाहता है तो उसके चाहे तो ब्लैक में सस्ता मिलेगा आपको, ब्लैक में तकरीबन 50,000 रुपये का बच्चा है। ठीक है, और अगर ब्राउन में लेना चाहे, बच्चा है 80,000 रुपये का बच्चा है। ठीक है, नाइजीरियन गोट है ये, दुनिया की विवर्स सबसे छोटी बकरियां होती हैं। ठीक है, अभी रिजवान भाई ने थोड़ी सी जगह यहाँ शिफ्ट करी है, तो इसमें मेरे ख्याल में मिट्टी वगैरह भी डालेंगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग इनकी होगी और ऐसे ही रहेंगे डालेंगे अभी फिलहाल। अच्छा, तो अभी घर का सेक्शन हुआ है नया, तो ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो व्यूअर्स, रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। तो रिजवान भाई, एंड में अपनी लोकेशन भी बताएं और नंबर भी बताएं अपना। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई अपने एग्जॉटिक बर्ड्स सेल करना चाहता हो, सही तो है, उससे रब्ता कर सकता है, क्योंकि मैं सेल भी मैं लेता भी हूँ। ठीक है, सेल भी करता हूँ। ठीक है, तो कोई देना चाहे और किसी लिहाज से, मतलब कोई बीमारी के किसी लिहाज से मुझसे रब्ता करना चाहें, तो मैं उसकी हेल्प भी कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ये है 0345-2747-0080। ठीक है, और लोकेशन भी बताइएगा यहाँ की। लोकेशन मेरी यूनिवर्सिटी रोड कराची। ठीक है, थाने जौहर ब्लॉक 7। नियर बताएं क्या है अगर कोई आना चाहे। नियर सबसे आसान है बिन हाशिम या यूनाइटेड बेकरी। ठीक है, वीडियो यहाँ करते हैं, वीडियो को खत्म, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।